गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे साथ है यहाँ पे अभी मेरी बच्चा पार्टी मेरे गाँव के बच्चे, और आज है लोहड़ी। तो सभी को हैप्पी लोहड़ी। हमारे गांव में तो यहाँ पे मनाते हैं नहीं लोहड़ी, पर हमारे लोहड़ी के एक दिन बाद क्या होता है, यस माँ का साजा। तो उसके लिए हमारे को जो है आज हम लाते हैं पाजा ढूंढ के कहीं से, मतलब पेड़ लगे होते हैं उसके, जो कि मेरे पास है नहीं, तो इन लोगों के पास है और ये मेरे को दे नहीं रहे हैं कोई भी। भाई देना पड़ता है मेरे को भी, तुम कैसे सेल्फिश है ऐसे भाई। ये है हमारे वो गांव के दादी वगैरह बैठे हुए। हेलो 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 हेलो। गाइस अभी हम आए थे शॉप के पास क्योंकि हम लेनी थी थोड़ी सी चीजें, और यहाँ पे है नुबिया। नुबिया से हेलो। आप ये चल पड़े हम कहाँ को? गुड गुड, जाओ जाओ। नहीं ऐसा मैं बोलती हूँ, पाजे कहाँ मिलते? पाजे प्रीति दीदी बीज हो गया खत्म। तारा तो देखो, मेरे गांव में बहुत बहुत से पुराने घर मिलेंगे देखने को आपको। देख सकते हो आप कितना पुराना घर, ये वाला नीचे वाला भी है, नीचे वाला जो कि अब फटने की तादाद में कभी भी गिर सकता है। हमारी बॉल भी चली गई 3-4 बार है। फिर कौन निकालता है यहाँ से बॉल? अंदर ही घुसना पड़ता है हमारे ऊपर। बेचारे तुम लोग। लो गाइस तो छुपो, और पे करना है कैमरे में। हेलो हेलो हेलो, आपका नेम क्या है? क्या क्या उधर कौन है? चलो इसके पास चलते हैं, चलो। बोलो अरे मारी था तकली। फिर से फिर से। अरे मारी था तकली। ऐसे करो ऐसे। ये है हमारा लिटिल सिंघम। गाइस मैंने जो है पाजा ले आया है, अब हम जाएंगे अपने घर को। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, थोड़ी टॉफी टूफी गज्जक और फ्रूट्स रखे हैं, मूंगफली रखी है, और ये है मेरा फेवरेट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। तो सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी मम्मा जो है जल्दी उठ गई थी क्योंकि सुबह प्रसाद वगैरह बनाना होता है, और मैं भी अभी फ्रेश हुई हूँ, और अब मैं जलाऊंगी जो मैंने आपको बताया था पाजे वगैरह का जो बनाया जाता है, वो तंदूर में डाला जाता है सुबह सुबह उठ के। ये बन रहा है हलवा, ये बन रहा है भोजन देवता जी का। गाइस अभी जो है हम चल पड़े हैं मंदिर के लिए, ये ले जा रहे हैं धूप और ये प्रसाद। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों मंदिर के पास। यह विराट मंदिर में ही पकड़ रहा प्रसाद तू है। नहीं नहीं अभी तो छोड़ना हमने। मम्मा जो है छत के ऊपर चढ़ चुके हैं उस टंकी की हेल्प से, और अब जो है ये धूप छोड़ेंगे ऊपर ऊपर, मतलब जो भी हमारे पुराने घर होते हैं ना उसके ऊपर जो है भगवान स्थापित किए गए होते हैं बुजुर्गों के द्वारा। तो यहाँ पे जो है मम्मी अभी छोड़ेंगे धूप ऊपर, यहाँ पे छोड़ते हैं हम दूध और घी। जय हो। अब हम करेंगे पेट पूजा फाइनली। थैंक यू,
हैप्पी मकर संक्रांति टू यू। ये है मेरे नानी जी। नमस्ते। है मुझे पैसे। थैंक यू। थैंक यू। बड़े चाचू ने कितने दिए? बड़े चाचू ने पता नहीं 10-20 दिए होंगे। बस 20 में ही थक दिया तेरे को यार। बस टोटल 200 तो हो गए। अच्छा। मैंने तो दी नहीं किसी को। मैंने दी सिर्फ नानी को और मम्मा को। मैंने दी। हेलो गाइस। राजी मामू। हेलो 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 बोलो। यहाँ पे जो है हमारी मंडली बैठी है जो आज मंदिर नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं मंदिर को, क्योंकि आज मतलब मैक्सिमम लोग जाते हैं मंदिर को, हम लोग ही नहीं जा रहे हैं बस। और ये चल पड़े हैं मंदिर के लिए दोनों। नमस्ते। हेलो हेलो। बाय। मेरे साथ है ये बच्चा पार्टी पीछे से। मैं ले रही थी तुम्हारे को ना वीडियो में तब। चलो ठीक है, ऐसे करके यहाँ देखो ये तीन जन मेरे हम कल के थे, है ना? के हैं काफी दूर अपने गांव से। उधर हमारा गांव है पार्ले साइड को, और हम आ चुके हैं इधर। अब हम यहाँ पे करेंगे थोड़ी देर अनुभया का वेट। जरा आ चुके हैं और उधर से आए हैं अनु भैया, और ये भी जा रहे हैं आज मंदिर को। ये है हमारे इष्ट देवता शमश्री महादेव जी का मंदिर। तो यह आज यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है साजे माघे के दिन। हेलो बोलो। हेलो हेलो गाइस। ओए ओए लगे हैं खाना खाने। हेलो हेलो। उंगली में जरा थोड़ी सी चोट लगी है, और वो की आदी की वजह से लगी है। क्या है वो? फिर से गाओ एक बार। ओए मैं नहीं जाता। चलो इसके हाथ में लगाते पहले दवाई। अरे क्यों लगाई ना तूने? अब जो है दादी ने इसके लिए दवाई ले आई है ढूंढ के। पक रहे ऐसे रख पकड़ के पी दे। पक रहे पानी पी लो गाइस। ऐसा साजे लागो मागेरा मेरी जोरी। अमा सुनो, साजा क्यों मना त्यारा बताओ? ओ धर्मी बिना था बा मागो बिना ने। हां ये तो धर्मी बिना तो धर्म करना पड़ता। धर्म क्या मतलब? धर्म क्यों मनाते मतलब ना साजे को जाई बांधी नहीं होता। जाई बांधी बे रोटी खाने को देती ना ले खाना बेदा तीना खांदी पींदी तीना दर में बिने वो सात्र तो कुछ साजा क्यों मना तेरा तो साजा होता पहले तो साजा पहले को खाने के लिए ने मैं तो पहले ने बड़े बुजुर्गों के पीछे से आ रहा है ये साजा। हाँ पहले नहीं खाने के लिए मैं आता तो फिर बनाना तो वे साजा तो खाना तो खट्टी गुड़ आने थे खाने के कह देखो बनाना तो हल हुआ देखो जाना तो सब जाई जाती ले बांडी रोटी सल हुआ तेता संग जानते वे पाती भी जानती तेरा संग सब भी जानती इतने तेरे मैं लगाते धर्मी भी ना सब धर्म जाए जान चले रोटी देनी। इसमें आपको बताती हूँ मतलब जो साजा माघ होता है ना ये हमारे हिंदू पंचांग का जो है 11वां महीना होता है, और इसको सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में मतलब पता है क्या होता है? पूजा अर्चना मतलब करनी चाहिए। पहले अपने जो भी जगह जहाँ स्थान के पास नेचुरल सोर्स वाटर निकला होता है वहाँ पे सभी स्नान करने जाते हैं सुबह 5 बजे। और मतलब इस महीने में ऐसा माना जाता है कि हमें किसी न किसी नदी का स्नान करना ही चाहिए।
तो ये ऐसा ऐसा है हमारे साजे मागे का कुछ मेन मेन चीजें। गए नहीं आज मंदिर इतने स्पेशल ओकेजन पे? मंदिर आज मैं पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूँ और जिस कारण मुझे मतलब एक मेरे अंदर जो इच्छा पैदा नहीं हो रही है, जो उत्साह वो उत्साहित नहीं हूँ मैं आज ड्यू टू बिकॉज आई मंदिर में था टुडे। ओके, और यहाँ पे हम आराम फरमा रहे हैं मस्त। हमारा जो है आदि गुम हो चुका है तो अब हम जा रहे हैं उसको ढूंढने। चलो गाइस, भी हम पूरे घर में उसको देखकर आ चुके हैं, वो हमें मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया शरारती लड़का। हाँ, हम उसको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं गाइस। हे गाइस, तो ये मेरी न्यू गाय है। ये मौज है, गया माय मौज। हेलो गाइस। हेलो गाइस, तो हम मेरी गाय है। लव यू गाइस। लव यू गाइस। बाय बाय गाइस। बाय बाय गाइस, तो हम कल मिलते हैं। ओके।